the fire burning in me. All of the noise turned into choirs of harmony. Trust me with the pieces of forever that you broke. But take you with me now. I've been high. So welcome guys back to my channel. So after 1 month seriously बात करूँ तो ऐसे ऐसे exams चालू थे, full schedule tight था, busy था, इसलिए भाई videos भाई एक महीने के लिए बंद ही थे. तो वेटिंग फॉर 150 सब्सक्राइबर्स सुन. तो आज की वीडियो में भाई लैपटॉप का दो मतलब एंटीवायरस के बारे में मैं बताने वाला हूँ. तो वो है अपना वीजार्ड और ई स्कैन ई प्रोटेक्शन, यहाँ पे दो. तो इसको अभी इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे अभी होता है ना, मेरा पीसी 11 से अब उड़ चुका है और ये 12 में आ चुका है, मतलब 11 से उड़ के वापस से 10 में आ गया था, ब्लूटूथ ड्राइवर अनइंस्टॉल हो गया था. अब मैं बताता हूँ आपको, तभी आपका ये ई स्कैन का एप्लीकेशन उड़ जाता है तो आप बोलते रहेंगे कि भाई मेरे लैपटॉप में वो सीडी ड्राइवर नहीं है, तो एंटीवायरस के साथ सीडी आते हो उसमें एप्लीकेशन देते हो, तो मेरे इसमें सीडी ड्राइवर नहीं, तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को लैपटॉप वहाँ लेके जाना चाहिए या घर पे उसका एप्लीकेशन मिल जाता है. तो घर पे उसका एप्लीकेशन मिल जाता है तो कैसे मिलेगा, तो मैं दो वायरस का डाल के बताऊंगा. तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले तो मेरे को ई स्कैन डालना है, ई स्कैन. और आपका जो पैकेट रहेगा जिसमें आपने एंटीवायरस खरीदा है उसके नीचे रहता है, उसके ऊपर तो ब्रांड रहेगा ई स्कैन, उसके नीचे रहता है इंटरनेट सिक्योरिटी सूट या कौन सा कंपनी का है. तो भाई मेरा इंटरनेट सिक्योरिटी सूट है, ठीक है. तो यहाँ पे है इंटरनेट, ठीक है. अब मैं सबसे पहले इसको ऑन इंस्टॉल कर लेता हूँ मेरे वाले वायरस पर, ठीक है. प्रोटेक्शन सेंटर इसको ऑन इंस्टॉल कर, इस पर पे रन है प्रोग्राम रन नहीं कर रहे, इसको सीधा ऑन इंस्टॉल कर. Thank you.
स्कैन है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ई स्कैन वालों, यहाँ पे आपके लिए वो चीज़ मैं ला रहा हूँ। डाउनलोड मैनेजर लिंक ऑल्टरनेट, दोनों में से कोई भी करो, मैं ऑल्टरनेट में जाता हूँ। अभी इसका प्रोसेस बहुत बड़ा रहता है, तो वीडियो को अच्छे से देखना डाउनलोड होने तक। मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का डाउनलोड हो चुका है गाइस, अब इंस्टॉल करेंगे इसको। आपके सामने कॉपी भी कर रहा, हमारा नया वेबसाइट भी ट्राई करना गाइस, ओके। नया उस पर कॉन्टेक्ट अभी करना 24। आवर्स उस पर एक्टिव रहते हैं हम लोग। ये आ गया एक हार्डवेयर हमारा। आप चाहिए तो इसका 2-3-4 मतलब कर ही सकते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल। तो ये ऐसा इंटरफेस आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये तो स्टार्ट के बाद मिलते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग का ऐसा कुछ सेटअप आएगा अभी, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। आई एक्सकेप्ट, ऐसा सेटअप आएगा, ठीक है। ये ध्यान से देख लो, इंस्टॉल हो जाएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसा इंस्टॉलिंग प्रोसेस होता है। तब तक आप अपना आईडी एक्टिवेट की याद रख लेना। अभी मैं जो एक्टिवेट की डालूंगा उसको शायद तक मैं ब्लर करने वाला हूँ, क्योंकि फॉर द प्राइवेसी। तो मेरा एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करके इसको रन कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। वैसे भी अब मैं एनपी का इंस्टॉल करने वाला, तो एनपी के ऊपर एक वीडियो आएगा, यानी कि नेट प्रोटेक्टर के ऊपर कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। वॉर्ड वीज वालों को एकदम इजी मिलने वाले हैं गाइस, टेंशन मत लो। वॉर्ड वीज वालों को भी अच्छे से मिलने वाले हैं, अच्छा खासा वो लोग को मिलने वाले एप्लीकेशन, वो लोग को एकदम इजी रहते हैं। काश मेरा ये 2020-21 का है ये जो वॉर्ड वीज, तो इसमें अभी मेरा एक्टिवेशन की नहीं चालू होगा, मेरा इसमें ई स्कैन में होगा। तो पहले ई स्कैन का मैं एक्टिवेट करके बता रहा हूँ, और वॉर्ड वीज वालों को तो मैं सिर्फ इंस्टॉल करके बता सकता हूँ कैसे करते हैं। तो मैं इंटरफेस मेरा बता सकता हूँ मेरा वाला। तो अभी इसके लिए बहुत टाइम लगता है, थोड़ा 20 मिनट्स का टाइम जाता है। ये देखो अभी ये इंस्टॉल हो गया। तो इससे आपके पीसी के आइकॉन पे भी फर्क गिरता है, जिसमें देखो अभी जूम करके एप्लीकेशन है तो इसका लोगो नहीं दिख रहा है, तो दिखना चालू हो जाता है। मेरे इसमें अभी भी नहीं दिख रहा है, तुम लोग के इसमें दिख जाएगा। तो अपने आप से वीडियोज आते रहेंगे रेगुलर। साहब भी थोड़ा हेल्प कर लो, बढ़ा लो सब्सक्राइबर्स। यूट्यूब के एपिसोड्स भी रिज्यूम होंगे, सोचने दो क्या भी सिखा सकते हम। तो ये आना स्टार्ट हो गया गाइस, हमें इसका फुल लोगो आना स्टार्ट हो गया। मॉनिटर सर्विस चालू कर दिए इन लोगों ने। तो तब तक पूरा होने तो मैं बताता हूँ। पोर्टिंग लेटेस्ट डेट, बैकिंग अप इम्पोर्टेंट फाइल्स स्टार्टिंग। तो चलो गाइस अपना मेन चीज हो गया, स्टार्ट हो चुका है। अब अकाउंट बनाना है, रूबूट नहीं करेंगे। प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए, मेन तो चीज़ है प्लगइन्स इंस्टॉल होना। पीसी में ऐप को इंस्टॉल करने का मेन कारण होता है प्लगइन, क्योंकि कैसे है ये ऐप का सपोर्टिंग है, ठीक है, वो भी एक है। और है अब तक होएगा, अभी मेरा लाइसेंस की डालूंगा जो है, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा। तो लाइसेंस के आपके इसमें रहेगा,
32 डिजिट का। तो यहाँ पे हमारा रिस्टार्ट हो गया सर्विस, चलेगा ये लाइसेंस की। अगर आप लोग ने देख भी लिया है तो इसके आगे भी बहुत कुछ है। और एक्टिवेट नाउ हो गया है मेरा, अब मैं एक्टिवेट नाउ करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो डाल देते एक्टिवेट करने के बाद वापस से आपको ये सब डिटेल्स वगैरह डालना पड़ता है, ठीक है। आई हैव टू एक्टिवेट ऑन आई हैव एक्टिवेशन कोड, तो मैं एक्टिवेशन कोड डाल देते हैं। तो गाइस एक्टिवेट का एक प्रोसेस होता है, वो तो आप कर सकते हो। और अभी अपना फाइनली गाइस ये स्कैन आ रहा है फाइनली, और उसमें ओके करके इसको कट कर दो। और स्कैन प्रोटेक्शन सेंटर दो यहाँ पे वाला है कि मेरा, और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों में से कोई भी रन करो चलते हैं, ये ऐसा वाला आएगा फिर इंटरफेस। कट करोगे तो ऐसा कुछ जाएगा, तो ये एकदम ओपी इंटरफेस है भाई, एकदम ओपी भाई, एकदम ओपी इंटरफेस है भाई इसका, बोल रहा हूँ। इसको आप क्या क्या इसमें फीचर है, इसमें मेल एंटीवायरस यानी कि आप, तो गाइस इसमें मेल एंटीवायरस है भाई, मेल एंटीवायरस, फाइल एंटीवायरस। तो आपको जो चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो, वेब प्रोटेक्शन, प्राइवेसी कंट्रोल, वो सब है। अब स्कैन में आप कंप्यूटर यूएसबी स्कैन, मोबाइल में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मोबाइल का एक स्कैन वर्जन आता है, उसमें इंस्टॉल करके आप सेम आईडी डालो आपका जो एक्टिवेट की है, इंस्टॉल कर दो। तो इसमें मैं इंस्टॉलेशन का बता रहा हूँ प्रोसेस, इसको यूज़ करने का तरीका आप अपने डीलर से जान सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे कोई और, क्योंकि ये मेरा कोर्स नहीं है सिखाना, मतलब उसमें मैं भी अभी तक उतना सीख नहीं है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन गलत नहीं दे पाऊँगा, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। जिस हद तक भाई आता है उस हद तक ही हम लोग बता देंगे आपको, ठीक है। तो उसके बाद अभी आता है वर्डविज कंपनी का इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया। वर्डविज कंपनी का जो ये एंटीवायरस रहता है, ये भी एक एकदम मस्ट यूनिक टाइप का रहता है, इसका एक ही सेंटर रहता है, और वो है ये तीन बेसिक वायरस। अब आपका इस तीन पैकेज में से कौन सा वाला है, आपका ये डिज़ाइन का है, आपका ये डिज़ाइन का है, या ये। अब मेरा वर्डविज रेसेंशियल है, और ये एक रेसेंशियल प्लस है, ये इसमें और एक्स्ट्रा फीचर रहता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें और एक्स्ट्रा फीचर रहता है, और इसमें और इसमें कम फीचर रहता है, इसमें सिर्फ डेटा वेटा को आप अनइंस्टॉल। अभी आपका 64-bit सेटअप है कर लो, एकदम ईजी हो गया। तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पीसी में से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पीसी इज द वे दैट विल गिव यू हेल्प। तो गाइस फटफट मैं इंस्टॉल करता हूँ, कुछ बातें भी करनी है आप लोग से इस वीडियो में, फटफट। तो फटफट करो यार, जल्दी बातें करता हूँ। इसमें भी बहुत भाव खाता है यार चालू होने के लिए। और कुछ भी नए विषय पे आपको भाई मतलब चाहिए, ठीक है, तो आप प्लीज कांटेक्ट करो हमें, या फिर ये डालो, हम आपको सही में आपको वीडियो लाके दे पाएंगे। अगर हमसे हो पाता तो हम वो लाके दे पाएंगे, क्योंकि मैं भी भाई 10वीं का बच्चा हूँ, तो मैं हमसे भी ज़्यादा कोर्स होना कंप्लीट होना नहीं, हम लोग का पूरे 10th में कंप्यूटर का कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर कहीं ना तो फिर प्रैक्टिस हमारा एक साल से कम है, एक साल का हमारा कंप्यूटर कोर्स पीछे चल रहा है। तो अभी अभी हमारा जस्ट SSC हुआ है, देखते हो, इसलिए वीडियोज़ तो फास्ट एंड फास्ट आएंगे, बस आपको करना ये सब्सक्राइब करते रहो, और दूसरी वीडियो में मैं बात कर लेता हूँ, ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज मेरा आ चुका है, ऐसा इंटरफेस आता है, ठीक है।
तो योर सिस्टम इज नॉट प्रोटेक्ट लास्ट अपडेटेड, तो ये रिन्यू करने का प्रोडक्ट इज सब्सक्राइब, प्लीज रिन्यू ना। अगर एक्टिवेशन ऑफलाइन है तो यहाँ पे लाइसेंस की मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है भाई, देखना है तो देख लो, कुछ फ़ायदा नहीं है वही, इसका लाइसेंस की नहीं रहता है वही। तो ऐसा कुछ है इंस्टॉलेशन का। तो गाइस मेरे बात इतना ही करना चाहता हूँ, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 1-20 मिनट का, सेकंड का। तो गाइस जैसा है, हमारा ऐप आ चुका है नया वाला, दोनों चाहिए तो दोनों डाल सकते हो। अब इसमें थोड़ा ज़्यादा फीचर है ऐड किया हुआ है, और आने वाले मतलब समय में होएगा, अपडेट होएगा ऐप। और तब तक के लिए वेबसाइट में आप अभी हमारा 24x7 का चैट असिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फॉर एनी क्वेरी। इजी रिलेटेड रहता है और मतलब आइडेंटिटी भी रहता है चैनल का थोड़ा, तो सीधी तरीके से अगर किसको मैसेज नहीं जानते करने तो आप वैसे यूज़ करके कर सकते हो। ईमेल अगर नहीं डालना है तो भी चलेगा, मैं बोलता हूँ ईमेल डालो तो हम आपको ईमेल, देखो काम करेंगे तो ही होएगा, तो नहीं तो नहीं होएगा ये चीज़। थोड़ा सा अपने तरफ से भी करो, ट्राई करो तो ही हम अपना ट्राई दे सकते हैं। हमने अभी अपना चैट असिस्टेंट है, आपको अगर चैट चैट भी नहीं करना तो ऑप्शन नहीं बचता, चैट असिस्टेंट है, नीचे कमेंट भी कर सकते हो वेबसाइट पर। वो अभी उसका सेवा हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, वो जस्ट एड ऑन करके रखा है, तो उसका सर्विस चालू नहीं है। आप अपने वेबसाइट पे टीपीसी जो कॉन्टेक्ट क्वेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाने के लिए आपकी वेबसाइट पे जाने का ऐप इन्फॉर्म करके उसके अंदर जाने के बाद आपको एक पासवर्ड पूछता है। तो आप कैपिटल में नहीं डालना है टीपीसी, स्मॉल स्मॉल अक्षर में डालना है टीपीसी, स्मॉल लेटर्स में टीपीसी डालना है विदाउट स्पेस डाल के। वो एक प्रोटेक्शन देता है कि उसमें ऐप्स के फाइल है तो कहीं लीक ना हो, इसलिए हम लोग ने वो रखा है। और विक्स की तरफ से भी वो होता है, प्रोटेक्ट होता है, पर तो भी हमने बाई चांस ना हो कुछ लीक इसलिए डाले। अब मैं बताता हूँ आगे वीडियोस कैसे होने वाले, आगे व्लॉगिंग्स आएंगे, स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, पर करने वाले हैं। और तब तक के लिए ऑनलाइन वीडियोस ही होने वाले हैं, हम अभी ऑफलाइन स्टार्ट नहीं कर रहे कुछ भी, थोड़ा दिन रुक के फिर स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ नहीं करेंगे, करेंगे और जल्दी। इसके बाद वीडियो आ सकते हैं आपका एमपी प्रोटेक्टर के ऊपर, एमपी यानी कि नेट प्रोटेक्टर, नेट प्रोटेक्टर क्या एंटीवायरस कैसे। ये अचानक से एंटीवायरस का इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी एंटीवायरस बहुत लोग डालने वाले हैं अप्रैल मई में, और अप्रैल मई का समय रहता है जहाँ पे एंटीवायरस ज़्यादा इंस्टॉल्ड होते हैं पीसी पे। तो वो कैसे, वो एक बहुत ये आधे साल में मतलब ज़्यादा ज़्यादा महीने में एक्स्ट्रा गिरता है हमको ये मेंबरशिप, इसलिए ये ज़्यादा इस महीने में इंस्टॉल होते हैं। मैंने अगस्त में किया था तो मैंने बहुत टू लेट हो गया था मेरा। और इसके बाद एंटीवायरस के बाद हमारा एक ब्लूटूथ के ऊपर आपको पीसी के ब्लूटूथ, जो बीच में मेरा था 10 दिन या 5-6-7 दिन से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तो ये दूसरे के साथ ना हो, उनको टिप्स और गाइडेंस भी दूंगा मैं कि क्या होता है, कि अगर ब्लूटूथ का आपका अडाप्टर जो इसमें इंस्टॉल रहता है सॉफ्टवेयर में, अगर वो चले जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। उसमें दो ऑप्शन है, या फिर आपको ऑफलाइन में जाके कराना पड़ता है, या फिर आपको 200 तक का, तो भाई 250 तक का खर्चा उठाना पड़ता है। तो वो क्यों और किस लिए मैं आपको बताऊंगा, और 250 का क्या चीज़ है वो भी बताऊंगा मैं, वो क्या होता है। और इसके बाद और एक वीडियो बन सकता है, गेमिंग वीडियो फ्री फायर के ऊपर। अफसोस ये फ्री फायर जा चुका है, पर मैक्स के लिए हम लोग ट्राई करेंगे बनाना। तब तक के लिए स्टे वेल स्टे सेफ, ये पहला वीडियो था, होप यू लाइक द वीडियो, डू हिट 150 सब्सक्राइबर्स इन दिस अप्रैल ओनली, सो टिल देन वेट फॉर माई अदर वीडियोज। बाय गाइस।